नमस्कार दोस्तों, स्टार्स अनफोल्डेड पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलका लांबा के बारे में, जो एक पॉलिटिशियन है। उनका जन्म 21 सितंबर 1975 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके फादर अमरनाथ लांबा है और उनकी मदर राजकुमारी लांबा है। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान के साथ उनके अफेयर के रूमर्स भी रहे हैं। उनके हस्बैंड लोकेश कपूर है, जिनसे उनका डिवोर्स हो चुका है। लोकेश कपूर ने आरोप लगाया था कि अलका लांबा ने उनका घर, जो कि सुभाष नगर में था, उसे इलीगली हड़प लिया था और उस घर को अलका ने एक राजनीतिक दफ्तर बना लिया था। उनका एक बेटा भी है जिनका नाम ऋतिक लांबा है। वो एक जाट हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। अलका लांबा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मास्टर ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होने के बाद 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। उस समय वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। वो 20 साल से अधिक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी रही। वर्ष 1995 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUSU की मेंबर बनी। इसके बाद वर्ष 1996 में उन्होंने NSUI में ऑल इंडिया गर्ल कॉन्वेनर के रूप में काम किया। दोस्तों, एक बार जब चांदनी चौक स्थित दुकानों में आग लग गई थी, तो उस समय फायर ब्रिगेड के कर्मी आग बुझाने की कार्य कर रहे थे। तभी अलका लांबा घटना स्थल पर पहुंची और फायर ब्रिगेड वाहन पर चढ़ गई। इस वजह से फायर ब्रिगेड वालों को आग बुझाने में देरी हो, जिसके चलते अलका लांबा की काफी आलोचना हुई। वर्ष 1997 में वो NSUI की मेंबर बन गई। इसके बाद वर्ष 2002 में उन्हें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा वर्ष 2006 में उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD के वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी अपॉइंट किया गया, जो भारत सरकार और बाल विकास मंत्रालय के अंदर आती है। वर्ष 2003 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। इसके बाद वर्ष 2015 में वो चांदनी चौक से MLA बनी। वर्ष 2016 में विधायक अलका लांबा ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल रॉय द्वारा मिनिस्टर पद छोड़ने के मामले में पार्टी की नीतियों से बाहर जाकर विवादित बयान दिया, जिसके चलते उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अलका ने कहा कि करप्शन मामले में लगे आरोपों की जांच के लिए गोपाल रॉय ने पद से इस्तीफा दे दिया, ताकि उनके घोटाले की जांच ना हो। लेकिन एक इंटरव्यू में गोपाल रॉय ने कहा है कि मैं मिनिस्टर पद से इस्तीफा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से दे रहा हूं। 2018 में दिल्ली सरकार द्वारा लाए गए एक रेजोल्यूशन का समर्थन ना करने के लिए उनके ऊपर रिजाइन का दबाव बनाया गया। ये रेजोल्यूशन राजीव गांधी का नाम 1984 के सिख दंगों से जुड़े होने के कारण उनको दिए गए भारत रत्न के सम्मान को वापस लेने के सिलसिले में थे, जिसका अलका लांबा ने विरोध किया था। दिल्ली के चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने 6 सितंबर 2019 को आम आदमी पार्टी से रिजाइन दे दिया। अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी रिजाइन दे रही हैं। रिजाइन देने के तुरंत बाद अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को निशाने पर लिया और इस्तीफा स्वीकार करने की चुनौती दी। तो चलिए अब बात करते हैं अलका लांबा की हॉबीज के बारे में। तो उन्हें राइटिंग और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल स्टार्स अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अलका लांबा से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्टार्स अनफोल्डेड के लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।